हाइफा ने खामोशी साध ली थी। शायद वह शख्स वापस आकर उसे कोई वजह देता है, और अगर ऐसा ना हुआ तो वो उस शख्स के गिरिबान को थाम कर पूछेगी कि क्यों, क्या वजह थी इन सब के पीछे। वो तो खुश थी अपनी ज़िंदगी में, ये उम्र तो ना थी उसकी मोहब्बत का रोग पाल लेने की, हिज्जर के दर्द काटने की। तो क्यों क्यों उसकी ज़िंदगी में आते लफ्ज़ महावेश को सब बना दिया खास, बेहद खास, और क्यों उसे निकाह में लिया। कोई उसे आदत लगवा ली कि वो खामोश थी, उसे इंतज़ार करना था, लेकिन उसका ये इंतज़ार रायगा गया था जब उसने बेहजा शाह के निकाह की खबर सुनी थी। साइमा बेगम ने खूब वाबेला किया था, लेकिन सिकंदर साहब खामोश थे। उन्होंने कहा था, हाइफा उनकी जान है, वो सब बेहतर जानते हैं उसके बारे में, और यही साइमा बेगम खामोश हो जाती थी। हसन बेहजा शाह को नापसंद करने लगा था, जिसकी वजह से उसकी बहन की आंखें नम रहती थी। परहुदार कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल। हाइफा कैसी है? मैं संभालूंगा, वो थके लहज में बोले। वो बाहर नहीं जाएगी कहीं भी अंकल। उन दोनों भाइयों की कमजोरियां उनकी बीवियां थीं, जिसे वो किसी सूरत मर्ज़े आम पर नहीं लेना चाहते थे कि महालब सबसे पहले कमज़ोरी को टारगेट करता है, और अपनी बीवियों पर वो एक आंख भी बर्दाश्त करने के सख्त खुद में नहीं पाते थे। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे, खामोशी का दौरानिया बड़ा। वो मुझे माफ़ कर देगी ना अंकल, वो बड़े लहज में बोला। सिकंदर साहब खामोश हो गए। मेरी बेटी हो वो, मेरी गुड़िया, सब ठीक होगा, मैं फ़र्ज़ निभा लूँगा अंकल, मुझ पर मेरे मुल्क का कर्ज है, उसके बाद मैं उसे संभालूंगा। वो उनसे ज़्यादा खुद जो यकीन दिला रहा था कि वो उसे मना लेगा। रब की अमान में भाई, क्या ये आपका आखिरी फैसला है? बिल्कुल, मैं पीछे नहीं हटूँगा, मौलवी साहब को समझा दी है जी भाई। ठीक है, माहा को तुम संभालोगे, वो यहाँ बिल्कुल नहीं आएगी जी भाई। लेकिन हाइफा शाह इस वक्त अपने काम पर फोकस करते हैं। निकाह के बाद जाफरी को कैसे गायब करना है तुम जानते हो, हाजम भी साथ होगा। हम ये काम निकाह किए बगैर, उस शख्स की बेटी पागल है बेजा शाह के लिए, तो ये सौदा सस्ता तो नहीं सफ़ीर शाह। निकाह के बदले पाशा के खिलाफ सबूत, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं कर गुजरूँगा। हमने सालू लगाए हैं शाह, ईवान पाशा के जबड़े से ज़्यादा करीब कोई नहीं, तैयारियाँ मुकम्मल हैं। माहा को निकालो यहाँ से, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम पर है। ठीक है, सफ़ीर निकल गया, जबकि बेहसा शाह ने कदम मजबूती से फर्श पर जमा, फिर पूरे इसरार मुस्कान लिए बाहर निकल गया। तो चलिए जाफरी साहब, आपको आपकी गेम ही फंसाते हैं, सब सो गए थे। हाइफा ने तैयार होते आंखों को रगड़ डाला। मुस्कुरा हाइफा बेहजाशा के अपने शोहर के निकाह की तकरीब में जा रही हो। उन्हें सोटा ढांगे लिपस्टिक थामे, लेकिन हाथ कब कपाए तो दूर फेंक दी। रात के 10 बजे थे, सब सो गए थे। उन्हें चचा को बुलवाया था, जिन्होंने बारहा मना किया था, लेकिन उसके आंसू पर वो मान गए थे। कबूल है, कबूल है, कबूल है, बर्बादी मुबारक हाइफा सिकंदर, बर्बादी मुबारक एदिल। वो किसी और का हुआ, वो धोखे बाद निकला, वो दूसरा गिलास भी पी गई। उसने मुस्कुराते हुए कहने कहते निगाह सामने के मर्द पर टिकाई थी। वो वहाँ खड़ी थी जहाँ भी किसी के निकाह नहीं पड़ी थी। दिल ने कहा, देखो ये है वो शख्स जो तुमसे मोहब्बत का दावेदार था, देखो वो कैसे आगे बढ़ गया। जहाँ बैठने की हवा तुम्हारी थी, वहाँ वो आम सी लड़की बैठी है, लेकिन अब वो आम कहाँ नहीं थी। हाइफा के अंदर तो अपनी निगाहें सामने मौजूद उस शख्स से ना हटा पाई। उसे उस पल से ज़्यादा खुद से नफरत हुई। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? हाइफा के अंदर तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी। फिर वो मुस्कुरा दी करे अजब के साथ और साथ मौजूद ट्रे से तीसरा गिलास उठा कर पी लिया। वेटर उसे बताना चाहता था कि उसके लिए नहीं है, ये तो वहाँ की बिगड़ी आवाम के लिए था, उनके लिए जिनके लिए बेहजा शाह ने जाल बिछाया था, लेकिन वो कहाँ अपने होश हवास में थी। उसने फूलों का गुलदस्ता उठाया, कदम कदम चलती उस शख्स के करीब जाने लगी। एक आखिरी बार बेहजा शाह ने मुठियाँ बेची उसे सामने देखते। वो वहाँ कैसे आई थी वो नहीं जान रहा था, लेकिन उसके दिमाग की छोड़ियाँ खतरनाक हद तक फूल गई थी। वो इस वक्त गुलाबी लहके में मौजूद बालों को कर्ल किए, हल्का मेकअप किए, सेज सेज का मुस्कुराती उसकी तरफ चलती आ रही थी, बिना हिजाब के। हाँ, हिजाब नहीं था, आज पहली बार हाइफा कंधे के सर पर यही लेकर उसके दिमाग की रगे तनी। बेहजाशाह के साथ उस वक्त जो लड़की मौजूद थी, वो उस वक्त के मशहूर सियासतदान की इकलौती बेटी थी, तो उसने अपनी बराबरी की लड़की ढूंढ ली थी खुद के लिए। हाइफा कंधे तो आम थी, बेहद आम, एक आम स्कूल के उस्ताद की बेटी। हाफी को गाड़ी में पहुँचाओ, बेहजा ने सफ़ीर शाह को मैसेज किया, लेकिन फ़ौरन वो उसके करीब आ गए थे। उसके पास आई, आंखों में सुरख डोरे थे,
अगर उस पर कोई हवा सिकंदर को मौका देता तो वो इतना चीखती, उतने आंसू बहा देती कि दुनिया तरस खाती उस पर। लेकिन वो बहादुर बनी रही। मोहब्बत के दावे करने वाला बेशक निकाह में किसी और को ले चुका था। मुस्तकबिल में शायद सब ठीक हो जाता, लेकिन हाइपा सिकंदर के दिल में हमेशा कसक रह जाती कि वह जाचा ने उससे पहले किसी और को वो दर्जा दे दिया था जिसका हैद उसके साथ किया गया था। जब मसीहा धोखा देते हैं तो गाँव दिल पर लगते हैं ऐसे जहम जो सिर्फ उसी शख्स में से हार मिटा सकती है। उस शख्स ने जैसे ही तोड़ा था उसे, वो उसका जवाब उसे वैसे ही तोड़ कर देना चाहती थी। निकाह मुबारक, उसने फूल आगे किए। निगाहें उस ताम से लड़की पर थी जिसके मुस्कुराहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी, जिसकी आंखों की चमक चीख चीख कर बता रही थी कि उसने उस सल्तनत के बादशाह को तसीह कर लिया है। ये तुम्हारी दोस्त है बेजाद, उस लड़की ने आदाज से पूछा जिसने सुरह लहंगा पहना था जबकि पेट की जगह से ब्लाउज काफ़ी ऊंचा था। शायद अमीरों के यहाँ ऐसे करना इज्जत की बात समझा जाता है। साथ का शख्स को देखकर उसे ये हजम करना मुश्किल लगा, लेकिन उसने निकाह करके उससे दुनिया की हर नामुमकिनात को मुमकिन बना दिया था। हाइबा के निकाह उस शख्स की तबूठी जो बेंचे हुंडों के साथ उसे ही देख रहा था। जैसे अभी तन्हाई मुजसर आए तो वो उसे सजा दे। उसके झाने की सफेशा दूर खड़े अपने बाई की बंद मुठियों और माथे पर अनगिनत बल्लू को देखता उस लड़की पर तर्ज खा गया। दोस्त नहीं हूँ मैं इनकी, बल्कि मैं इनकी कुछ नहीं लगती, काम जर्नलिस्ट हूँ। बस इन्होंने बुलवाया तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। आहर हर चैनल बेहजाद शादी की खबर को सबसे पहले लाइव और छापना चाहेगा। वो ठंडे इलाजे में मसनू चमक रखती बोली, वैसे काफ़ी अच्छी लग रही हो। बेहजाचार की च्वाइस को माना पड़ेगा, अपनी टक्कर के लोग ढूंढे हैं। ये वो एक और बार उस पर कर गई। बेहजाचार को वो खुद से ज़्यादा जानती थी कि वो उस वक्त उसे आंखों से उस मंजर से हटने का कह रहा है, उसे डरा रहा है, वार्न कर रहा है कि हायपा बेहजाचार जाओ। लेकिन अब उसे कहाँ फ़र्क पड़ना था कि बेहजाचार क्या चाहता है क्या कहता है। मुझे पता है, हैर तारीफ का शुक्रिया, वो लड़की बोली तो हाइवा ने तमसाहट उड़ाती निगाहों से देखा। वो बोली हाथ आगे किया तो उस लड़की ने थाम ले वो बेहजाद को देखने लगी। शाह साहब बुरा मत मनाइएगा, हम मिडिल क्लास लोग गैर मर्दों और अनजान लोगों से हाथ नहीं मिलाया करते, वो कहती उसके धुआं धुआं होते शहर को नज़रअंदाज करती मुड़ी और स्टेज से नीचे उतर गई। हाइवा के अंदर टूट गई थी, बिखर गई थी। कार साइंस मजीद तरक्की करती, वो लोगों के दिल में उठते दर्द की पेमाश कर सकती। दिल में उड़ते दर्द को कोई महसूस नहीं कर सकता, कोई उसकी पेमाश नहीं कर सकता। सच में वो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाली आम लड़की थी। आधा जापनी ने हंकार भरा, लेकिन बेहजाचा ने सफ़ी शाह को सुलगती निगाहों से गुड़ा जो कंधे चुका गया। वो आगे बढ़ती, एक और गिलास उठा के तो बेजाद खुद पर से पहरे हटाते स्टेज से नीचे उतर गया। सैफी ये मुझे नजर न आई, यहाँ इसे घर पहुँचाओ और इसे तुम खुद छोड़ कर आओगे घर, समझ आ ही है। वह सफ़ीर शाह के पास आता बोला, भाई वो मेरे साथ नहीं जाएंगी। सफ़ीर ने उसे रुमान के पास खड़े होता देख पूछा। उस अहमक लड़की को बुखार था, वो 3 ड्रिंक्स पी चुकी है तो ना करते निगाह, सफ़ीर शाह जले लहजे में बोला। सफ़ीर शाह इस वक्त अगर नहीं चाहते हो कि मैं इसके साथ तुम्हें भी जला कर भस्म कर दूँ तो वो कर जो मैं कह रहा हूँ, उसने सामने दिखा जहाँ रुमान ने उसके कंधे को थामा था उसे गिरने से बचाने के लिए। और बेजाज जाके बर्दाश्त बस यही था कि वो आगे बढ़ता कि सफ़ीर शाह ने उसे रुका, मैं देखता हूँ आप वापस जाइए, इसमें सारे कैमरा साफ पड़ हैं, मैं मजबूर ना होता तो उस लड़की को अपने हाथों से ख़त्म कर देता। वो बोला वापस स्टेज पर चला गया, लेकिन दिखा है अभी उसी पर टिकी थी। उनने साइड पर होते सामने मौजूद रोमान गाजी का नंबर मिला जिसने हैरत से उसे मुड़कर देखा और बेकार उठाए उसके कंधे से बाजू हटा लो। रोमान गाजी उससे हाथ लगाया, या तुम्हारी उंगलियां उसके चेहरे पर उसके आंसू साफ करने के लिए बड़ी तो जोर से उखाड़ लूँगा बाजू साले। वो इतनी वैसे से दाड़ के रुमान ने फ़ोन अपना बाजू हाइवा सिकंदर से दूर किया जैसे करंट लगा हो। बेहजाचा उसके पुष को देखता रहा जब तक वो चली नहीं। मैं छोड़ दूंगा इसे, सभी ने संजीदगी से रुमान से कहा, मैं उसी तब निकलो फ़ौर। बेहजाचा से मुंजलिक चीज़ों पर नजर रखोगे तो मारे जाओगे, वो सर जैसे लहजे में बुला था। रुमान गाजी पीछे हट गया। सफ़ीर शाह ने बेजाद की चादर हाइफा सिकंदर की दौड़ी उसे गाड़ी में बैठा दे घूम कर दूसरी तरफ आकर बैठा, आपकी अमानत मेरे पास है, वो मैसेज सेंड करके पुरसकून हो गया था। गाड़ी चोरों के ना तुम दोनों बाई धोखेबाजों, किसी को तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो चौकराते सर के साथ बोले। नशा ज़्यादा ना था, वो कुछ देर में होश और हवास में होती खामोश रही। क्यों खामोश हूँ मैं, ये रूप तुम बाई कहीं और दिखा ना। वैसे एक बात बताओ, सफ़ीर शाह ने उस लड़की को देखा क्या, हाल हो गया था उस लड़की क्या,
उससे साबित होता कि उस भेजराज उस लड़की के लिए क्या मायने रखता, जो आज वो सब बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। सभी जाने देखा जिसने हजार भी नहीं किया था उसे तरस आया, न जाने भाई तुम्हारे साथ क्या करे, वो सोच कर रह गया। अपने भाई के गुस्से होप से तो वो खुद हाय था। क्या तुम भी किसी मिडिल क्लास लड़की से मोहब्बत कर दोगे, कर तो शादी किसी अमीर खानदान की लड़की से कर लोगे, वो बोली। तो शाह सभी शाह के जहन में उसका आग से घुमा वो गहरा सांस भर गया। भाई क्या मैं उसे हाथ लगा सकता हूँ, उन्हें कान का स्पीकर पर डाल महालिफ से खाना खुल चुका था, इसलिए बेजाज तेज से उतर गया था। क्या बकवास है, होश में हो? तुम्हारा भाई कभी भी होश में नहीं रहेगा, और उसे बता देना कि हाइफा सिकंदर उससे कितनी नफरत करेगी आपसे, उससे अच्छा तो रुमान। इजाज़त है तुम्हें शाह, बेजाज ने कहते कालकार दी। वो जब के किन मराहर बा था सफी शाह जान गया था, तो सामने मौजूद लड़की को हाथ लगाना तो दूर कोई देख भी नहीं सकता था। उसने झुकते उस लड़की के महसूस राग दबाई तो वो बेहोश उसने गाल पहुँचे सिकंदर साहब को फोन किया था, जिन्होंने बिना कुछ के हाइफा को थाम लिया था। फिर उसे अंदर ले गए जबकि सबीर वापस जा चुका था। सबीर वापस आ गया था, अब उसे वहाँ को यहाँ से ले जाना था। मेरे घर से ज़्यादा कोई सेफ जगह नहीं सबीर, हाजम ने उसके कंधे पर हाथ रखा जो परेशानी से यहाँ वहाँ चक्कर काट रहा था। हाजम ने सुना था कि बेहजाज ने सफ़ीर शाह को उसकी बीवी को जहाँ से ले जाने के लिए कहा था। तुम्हारे घर कैसे, क्यों नहीं, अम्मी है ना, और मेरे घर का पता कहीं भी नहीं दिया गया, हर तरफ कैमराज हैं और वो सोसाइटी महफूज है, ठीक है। सफ़ीर शाह मान गए कि उसे ना सिर्फ माँ को यहाँ से निकालना था बल्कि अशर से दूर रखना था, जो पागलू था उसे फ़ोन कॉल के बाद उसकी लोकेशन ट्रेस करता उसके बाहर निकलने के इंतज़ार में था। मैं एड्रेस भेजता हूँ, अम्मी को भी बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे गार्ड्स वहाँ मौजूद रहेंगे। सफ़ीर हाजब मिर्ज़ा ने कुछ कहना चाहा, अपनी बीवी के साथ मैं तुम्हारी अम्मी की भी इबादत, वो सेफ हैं यकीन करो। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स हाजब, डेस्क भेजो, सफ़ीर कहकर जा चुका था। हाजम ने सब सकीना बेगम को बता दिया था। अपना सामान समेतो महावत तेजी से कमरे में आता बोला, जो पहले बेहद परेशान थे बेजाद के निकाह को सुनकर हाइफा भी फोन नहीं उठा रही, और सफ़ीर शाह ने उसे बाहर नहीं निकलने दिया था। बड़ा बचाना क्यों, जल्दी कोई मेहमान आने से पहले तुम्हें निकलना है यहाँ से। लेकिन क्यों, मैं नहीं जाऊँगी, माहा रोते बोली थी, उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। सफ़ीर शाह ने उसे रोते देख खुद बैग उतार कर खुद बैग तैयार किया था, उसका खाना खाया था। मुझे नहीं जाना शाह प्लीज़, माहा बहस नहीं करो, मुझे बताओ खाना खाया था, भूख लगी है, उसके पास आता बोला। माहा ने उसके सीने पास रखे हिचकियों से रोना शुरू किया, शाह मुझे छोड़ रहे हैं, पागल हो गए हो? सफ़ीर शाह समझ सकते थे उसे, इसलिए नरमी से उसके बालों पर लब रखे। चलो वादा करे आप, बेजाद भाई की तरह किसी और से हिचकी बांध गई तो वो अपना जुमला मुकम्मल न कर पाई। महा सफ़ीर शाह ये बात जान लो कि सफ़ीर शाह ने जैसे भी हालात में तुम्हें कबूल किया हो, तुम्हारे अलावा इस मुकाम पर कोई नहीं पहुंच सकता। सफ़ीर शाह ने कहते उसका हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखा तो वो रोते हुए मुस्कुरा दी। सफ़ीर शाह ने उसका चेहरा हाथों में थाम कर उसके गालों पर बोसा दिया। बेहजाद भाई हाइफा भाई संभालेंगे, हम कहाँ जा रहे हैं, हम नहीं बस तुम चलो, सफ़ीर शाह उसे लेता निकल गया था। हाजम मिर्ज़ा के बताए एड्रेस पर, उस एड्रेस के सामने गाड़ी रोकते उसने माहा को देखा जो आप भी रूढ़ी थी, क्या मेरी जान को होता है, बहुत ज़्यादा थी, मेरे होते हुए ऐसा हो सकता है? सफ़ीर शाह उसे खेते अपनी तरफ झुकाते सफसार किया, उसे क्यों हुबजदा नहीं छोड़ सकता था, पहले ही 4 महीने उससे दूर उसने बेचैनी में गुजारे थे, कि दिल उस लड़की की मोहब्बत पर ईमान लिया था, जो सुकून हुआ करते हैं उनके बगैर तो दिल करामद ही नहीं रहता। सफ़ीर शाह ने उसके बाल कान के बीच और से यहाँ से बाहर नहीं निकला, किसी सुर नहीं, यहाँ मेरे साथ आई हो और मेरे साथ ही वापस जाओगी, समझ ही हो? महाने तेजी से सहर हिलाया, आप जल्दी आ जाएंगे ना सफ़ीर, आपके बगैर मैंने 4 महीने बेहद मुश्किल से गुजारे हैं, आपने कहा था मुझे आपसे मोहब्बत है और मैंने आपकी बात की नफ़ी की थी, उसे देखती बोल रही थी मैंने आपसे मोहब्बत की है। सफ़ीर मैंने अपनी ज़िंदगी में वाहद मर्द से मोहब्बत की है और ख़ुद से ज़्यादा की है, सब मेरे एहतियार में नहीं था, आपके एहसास अब बढ़ते जा रहे हैं, वो बोलती जा रही थी। सफ़ीर शाह ने उसे सुना था फिर मुस्कुरा दिया, वो लड़की वाकई लफ्ज सुकून पर पूरा उतरती थी। तुम्हारा नाम बदल कर सुकून रख दो, सफ़ीर ने प्यार से उसके चेहरे को देखते कहा तो वो सुरह पड़ी, कब आएंगे? जल्द ही, सफ़ीर ने उसके माथे पर बोसा दिया तो महा ने आंखें बंद करते उसे बोसे ही ठंडक को दिल में उतारता
उधर था महसूस के फिर सफ़ीर शाह उसे सकीना बेगम के हवाले कर चुका था। गार्ड्स मौजूद है बाहर आंटी, ये कहीं बाहर नहीं जाएगी, किसी भी सूरत नहीं किसी भी। वो अपनी बात पर जोर देता बोला तो वह सर हिलाएगी। फिर वो जा चुका था, सकीना बेगम उसे अंदर लेगी। सफ़ीर वापस आकर बाकी के मामला संभाले। बेहजाद ने सब वक्त से पहले बंद करवाया था। बेहजाद काश तो मुल्क से भी साथ ही करवा लेते। वो फिर रोज़ जाफरी उसके मेहमानों को अलविदा करने आया था। जब अदा जाफरी उसके साथ चुपकी पेशर्मी से बोले तो वह हंसिए, जल्द उसका इंतजाम करूँगा। वह संजीदगी से बोला, उत्साह करवाना करता सब समेता घर के लिए निकला। रात के 3 बज गए थे। भाई क्या आपको यकीन है कि ये सब काम करेगा? बिल्कुल ठीक है, आगे क्या करना है बताऊँगा, अभी सो जाओ, जाकर थके हो। वो तेज़ी से लैपटॉप पर उंगली चलाता बोला, हाफी बहुत गुस्सा थी हाफी, हाइफा बेहजा शाह नाम है उसका सफीचा, और ये मैं आखिरी बार बता रहा हूँ तुम्हें। ओके ओके कुल, सफीचा ने हाथ हवा में उठाया, तेज़ी से उसके बेड से उतरा। वो दो भाई थे, उनका पेशा क्या था लोग नहीं जानते थे। लोगों के सामने वो मशहूर डिज़ाइनर थे जो उस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड में थे, जिसकी महफी कहानी क्या थी कोई नहीं जानता था। उसके बाद बेहजा शाह ने अपने आप को सियासत में मुतारफ़ करवाया था, फिर बस वो दिन रात तरक्की करना करता चला गया था। वो किस मकसद से आया था, क्या चाहता था, कोई कुछ नहीं जानता। वो किस ओहदे पर फाइज था, लेकिन फिर भी काफ़ी शोहरत ही थी, उसके इतने असर रसूख थे। इस सियासत के हर ओहदे के लोगों को जानता था और वो सबसे मिलता था, लेकिन वो खुद किसी ओहदे पर नहीं था। अशर की कोई खबर? बेहजा ने सर उठाए बगैर पूछा, नहीं उसको अभी मालूम नहीं हुआ, जल्दी हो जाएगा। ठीक है सोचो भाई, बोलो शाह, बेहजा ने सर उठाते मोहब्बत से पूछा। हाफिज साहब मोहब्बत, वो शरारत पर सैफी बेहजा चाहे तो सफ़ी चापुर उसका कमरा छोड़ता दरवाज़ा बंद करता, तेज़ी से अपने कमरे में चला गया, क्योंकि बेहजा चाह उस वक्त इतना परेशान था उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। जबकि बेहजा चाह फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। क्या खबर है सर, आपके निकाह की तस्वीरें वायरल होगी, सुबह आपके इंटरव्यू के लिए जर्नलिस्ट आना चाहती है। ठीक है कल सुबह, ठीक है कल 10 बजे, वो कहता कॉल काट गया और उठकर बाहर निकल गया। हाइफा ने होश में आधे सामने सिकंदर साहब को देखा तो वो हिचकी से रो रही, उससे साल लगाते उसके कमर मिले गए, क्योंकि गई थी, क्यों गई थी आप हाइफा, मुझसे पूछे बगैर बताए बगैर। वो सब नाराज है उससे बेजाद, उन्हें बता चुका था सब, मुझे नहीं जाना चाहिए था ना। वो हिचकी के दरम्यान बोली, बिल्कुल ही सही कह रहे हैं आप बाबा, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मेरे दिल में उससे ज़्यादा दर्द कभी नहीं जागा। वो बोली तो सिकंदर साहब का दिल चीर गई थी कि उन्होंने हाइफा सिकंदर को कभी सर्द गर्म हवा तक ना लगने दी थी। वो राज बेसिस क्यों से रो रही थी, मुझे बहुत दर्द है बाबा जान, कहाँ मैं नहीं जानती, क्या किसी के पीछे कोई मार सकता है बाबा जान, मुझे लगता है मेरा दिल फट जाएगा और मैं मर जाऊँगी। सिकंदर साहब के दिल की धड़कने थमी थी। मेरी जान मेरी गुड़िया जहाँ देखो, भोपाल में फैसला कर गई, किसी भी चीज़ से बढ़कर उन्हें अपनी बेटी की जान थी। मैं बेसार से बात अब कोई बात नहीं होगी बाबा जान, वो निकाह कर चुके, उन्होंने मेरा मुकाम किसी और से बांध लिया नहीं, वो आपसे मोहब्बत का था ये झूठ है। सब सच है, हालात ऐसे हैं कि उसे ये कदम उठाना पड़ा। ये बात जान ले कि बेहजाद की अकलौती बीवी आप हैं और रहेंगी, इससे आगे मैं मज़ीद कुछ नहीं सुनूंगा, वो आगाज़ में नरमी से फिर सहती से बोले। हाइफा समझ ना पाई थी उनकी बात का मफहूम, लेकिन उसके दिमाग पर यह बात चिपक गई थी कि बेहजाद शाह की अकलौती बीवी थी वो, और ऐसा उसे उसके बाप ने कहा था जो झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन दिल ने खामोशी साथ दी थी। वो अपना मामला रब के सबूत कर चुकी थी। चलिए सोचिए, सिकंदर साहब ने उसके माथे पर भरोसा देते उसे उसकी जगह पर लटाया, आप चाहती है कि मैं भी रो दूँ? वो बोले तो उतरवी नहीं बाबा जान, बस फिर मैं अब आपको रोते हुए ना देखूँ। बेहजाद शाह सब ठीक कर देगा, मुझे आपके बाबा कह रहे हैं, किसी और पर नहीं अपने बाप पर यकीन रखिए। वो मजबूत लहजे में बोले तो हाइफा ने गहरा सांस भरा, गुड नाइट, उस पर आयत पर का भूंगने चले गए। मंदिर ताला हुआ तो कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आती रोशनी से महालव का वजूद बिस्तर पर मालूम होता था। वो कुछ रिबायत जिसम साकत हुआ, दिल की दुनिया जैसे पल में वीरान हुई थी। हाइफा सिकंदर का वजूद सिसकियों से काँप रहा था, वो तकिए में मुँह दिए बेबसी की आखिरी हद पर थी। बेहजाद शाह को लगा किसी ने उसके दिल के बेशुमार टुकड़े किए हैं, वो फौरन आगे बढ़ा। वो बीवी थी उसकी, उसका सब कुछ और सब कुछ का मतलब कहाँ होता है। उससे हाथ लगाकर रुख सीधा किया तो होंठ भेज लिया, उसका चेहरा आंसू से तर था, आंखें खतरनाक हद तक सूजी थी और सुरह थी। बेहजाद शाह ने आंखें बंद करके खोली और झटके से उसे उठाकर बैठाया।
हाइफा ने निगाहें उठाकर उसे ऐसा देखा जिसे कम से कम वो इस वक्त अपने सामने नहीं देखना चाहती थी। हाथ छोड़ो, हाइफा ने अपना हाथ छुपाने की नाकाम से कोशिश की, और उठो निकलो यहाँ से। वो दाढ़ी से तमीज़ भूल गई है हाइफा भेजाशा, या मैं ये याद दिलाऊँ कि मैं कौन हूँ, मेरे नाम के आगे अपना नाम आज लगाया है, दोबारा मत लगाएगा। वो उंगली उठा जैसे तनबिया करती बोली, अपने मनु को हाँ को अपने नाम से बुलाऊंगा और ये क्या हाल बनाई हूँ, या मर गया हूँ मैं? नहीं, आपके मरने पर शायद सब्र आ जाता मुझे, लेकिन जो आज आपने किया उस पर कभी सब्र ना आएगा मुझे। और ये जिस हक से आप इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं ना, ना वो हक मैं बहुत जल्द रिजा शाह ने झुकते उसके अल्फाज सुनिए थे, डोंट यू डियर हाइफा सिकंदर शाह, डोंट। पीछे हटते वो सर्द अंदाज में बोला। हाइफा अपनी बेबसी पर ऊंची आवाज़ में रोने लगी तो बेजा शाह ने उसे सीने से लगाया चाहा, जो वो फोन दूर हुई थी जैसे करंट लगा हो। मुझे साथी पर मजबूर नहीं करे हाफी, जाइए जहाँ से। वो अपने गाल बेदर्दी से रखती बोली थी, सो जाए और अब जाने का मत कहेगा, ये आप भी जानती है कि मुझे जहाँ से बेच नहीं पाएंगी। मेरी मर्जी के बगैर वो यकदम उसका बेहसाद शाह बन गया था, तुमने मुझे धोखा दिया है। वो अपना सर तकिए पर रखती अजीत की आखिरी हाथ पर थी, जबकि वो अपने लिए उसका लब लहजा सुनते ही अंगारों पर लौटा था एक आंसू भी ना निकले। अब ये जो आपने अपना हाल किया है ना, इसका बदला तो सूस में लूँगा मैं। उसके बालों में हाथ चलाया उसके साथ नीम दरा सा हुआ, आप प्लीज़ जाइए इस दुनिया में, उस दुनिया में उस वक्त आप वो बादशाह से जो मुझे अपने सामने नहीं चाहिए। पर बेजाचा अपना जब्त आजमा रहा था, नहीं तो धमाकी फूलती रगे इस बात का वाद ऐसे बो थी कि उसके सब्र की हदूद टूट गए हैं। हिजाब क्यों उतार था जब वो जितने सर्द से लहजे में बोला, हाइफा साहब बोली उसके भाई जैसे काम की, मैं जो पूछा है वो बताई। इतनी खुशी थी मेरी दूसरी शादी की, सर से हजाब तक उतर गया। वहाँ कितने मर्दों ने आपके बाल देखे हैं, आपको अंदाज़ा है हाफी? मैंने जो किया उसका मैं जवाब दे हूँ, वक्त आने पर सब बताऊँगा और सब ठीक कर दूँगा, लेकिन जो आपने आज किया वो आप ज़िंदगी भर ठीक नहीं कर पाएंगी। वो उठ खड़ा हुआ, हाफी ने सूची आंखों से देखा, अपने रब से माफ़ी मांगी। हाफी वो उसकी दफा था, उस पर झुकता उसके कंधे पर सुलगते लब रह गया, और अगर अब दोबारा टोई तो सभी आकर आपको ले जाएगा, और उसके बाद आप जानती हैं मैं नरमे से तो हरगिज़ पेश नहीं आऊँगा। बेहजाचा उसकी आंखों में देखता बोला, और अगली बार मैं मर भी जाऊँ ना, तब भी ये हिजाब न उतर सकते। वो कहता जिस रास्ते से आया था वहीं चला गया। माहा को वजह से मिलती अम्मी अम्मी फल की आवाज़ गूंजी थी पूरे घर में, आवाज़ भी क्या चीहें थी, वो आपकी बेटी है। माहा ने हैर से सचा कि क्योंकि किसी ने ऐसा जिक्र नहीं किया था, सभी नुस्खे से बस सगीना बेगम का बताया था। है एक जल्दी से वो तेज़ी से उसके कमरे में बेगम पहुंची, जहां मोबाइल पर यहां से वहां कूद रही थी। क्या हो गया है परी? अम्मी चूहा है यहां, जहां से वहां घूमती बोलती नहीं है कोई चूहा, उन्होंने उसे तसली दी, क्योंकि माह तो उसे देखकर रह गई। वो माह को अपनी उम्र से छोटी लगी, बेहद खूबसूरत सफ़ेद बड़े गुलाबी गाल, गुलाबी होंठ, बड़ी मकदर सी आँखें, खूबसूरत मुलायम बाल। उसे सकीना बेगम जैसी हरगिज ना लगी, लेकिन वो सर झुक गई, उसकी हरकतों में मुस्कान दी। देखो मेहमान आयो कितनी, और तुम कैसी हरकतें कर रही गुड़िया, बोली तो उसने बाल हटाते सामने देखा, जहाँ को खूबसूरत से लड़की उसे देखते मुस्कान ही थी। वो गड़बड़ा गई और हफीब से होती चूहे को बोलती बैठ होती, मैं माफ़ी चाहती हूँ, वो बोली तो महा खुल कर मुस्काई। वो खूबसूरत होने के साथ साथ खुश गुफ्तार भी थी, उससे वो किसी के जैसे लगी थी, लेकिन किसके जैसे वो दिमाग पर जोर दिए बगैर उसकी बातों में खो गई। अम्मी ये कौन है? हाजब के दोस्त की बीवी। ओ अस्सलाम वालेकुम, फड़ी ने बालू का मैसेज जोड़ा बनाया और जड़ से हाथ आगे बढ़ाया। वालेकुम सलाम, माह ने मुस्कुराते उसका हाथ थाम लिया। तुम बहुत खूबसूरत, माह ने कहा, मैं भी आपको यही कहूँगी, वो बोली तो दोनों हंसी। चलो आ जाओ खाना खाए, इसकी ना बेगम बोली तो दोनों बाहर निकल गई। खाने के बाद भी वो दोनों साथ बैठी बातें कर रही थी। क्या आपकी कोई दोस्त है? फरी ने कुछ सोचते सजा के, क्यों बताइए तो। हाँ कितनी? वैसे तो काल में भी है, लेकिन बेहतरीन दोस्त एक ही है। अच्छा क्या नाम है उसका? हाइफा। वाओ, तो आप उसे छोड़ दें, वो कुछ लम्हों बाद बोली तो माहा ने चौंक से देखा। क्यों? क्योंकि आपसे मैं आपकी बेहतरीन दोस्त हूँ ना। फरी बेहद पुरजोश थी, उसे सामने देखा उसकी ज़िंदगी की पहली दोस्त। हाँ तुम भी हो। नहीं बस मैं बनना चाहती हूँ, नाराज़गी से बोले। वहाँ उसकी एक
ही दिन बल्कि कुछ ही घंटों में उसे अटैचमेंट और पोजेसिवनेस देखते हैरान थी। तो ऐसा करेंगे हाय पाकी, दोस्ती तुम्हारे साथ करवा देंगे, हम दीदी दोस्ती दोस्तें बन जाएंगी क्या? सच में? बिल्कुल ठीक है, चलिए मैं आपको घर दिखाऊँ। उसे घर दिखाते हाजिब के कमरे के सामने रुकी। हाजिब का कमरा है। महान ने नोट किया था कि वो अंदर नहीं गई थी, बाकी कमरों की तरह अंदर से नहीं दिखाएंगी। नहीं, साफ इनकार किया गया। तो महान मुतजस्स हुई, क्यों? क्योंकि यहाँ सब मिर्ज़ा खड़ूस का कमरा है, मुझे जाने की इजाज़त नहीं। ओ ऐसा क्यों? पता नहीं, लेकिन एक दिन तो ये मेरा ही कमरा होगा। वो कैसे? ऐसे, मेरे दोस्त की मैं हाजिब से शादी कर लूँगी ना। उसने हाजिब की लगी तस्वीरों की तरफ इशारा करते कहा, ये तो तुम से बड़े लग रहे हैं। माहा ने हैरत से उस आम से शख्स को देखा। तो क्या वक्त नाराज़ हुई थी? नहीं, कुछ नहीं, बुरा नहीं मनाओ, प्यारे है ना हाजब, मुझे हाजब बेहद पसंद है, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं वो। और वो शुरू हो चुकी थी हाजब मिर्ज़ा की ज़ात के बारे में बातें करना, जबकि महा बस मुस्कुरा रही थी सच्चे दिल से। उस लड़की की वालहाना मोहब्बत झड़की थी उस शख्स के लिए। आपके हस्बैंड कैसे हैं? यकीन हाजब से प्यार नहीं होंगे, वो शरारत से बोली। तो महा मुस्कुरा दी, वो प्यारे हैं, वो कह दी गुलाबी हुई तो फरी उसके गाल खींच गई। मेरे पास उनकी तस्वीर मेरे फ़ोन में है, मैं तुम्हें उनकी तस्वीर दिखाती हूँ, लेकिन कमरे में बड़ा है मेरा मोबाइल। चलिए मैं आज आपके साथ सोऊंगी, और बोली वो बोली तो महा मुस्कुराती सरहला गई। यहाँ आने से पहले वो बहुत परेशान थी, लेकिन फरी उसके ना बेगम से मिलने के बाद सारी परेशानी जाती रही थी। लेकिन उससे एक बात समझ में नहीं आई थी, हाजिब सकीना बेगम का बेटा था, वो जानती थी ये बात। तो फिर फरी सकीना बेगम से पूछने का इरादा करते कमरे में आ गई, जिसे सकीना बेगम ने ही दिया था। माहा ने फ्रश होने के बाद फरी को देखा, जो उसके बार पार पुरजोशी से बैठी। दिखाइए भैया, माहा ने सफ़ीर शाह की तस्वीर जो उसने सफ़ीर की बेहबरी में उतारी थी वो फरी के सामने की। बहुत प्यारे हैं ये तो, हाजब से भी प्यारे हैं, फरी बोली। तो महा खुल कर मुस्कुरा दी। महा ने फ़ोन पकड़ा, क्या मुझे दोबारा तस्वीर दिखाएंगी? फरी परेशानी सी बोली। तो महा को अजीब लगा, लेकिन फ़ोन दोबारा उसके हाथ में थमा दिया। फरी मुसलसल उस तस्वीर को देख रही थी। क्या हुआ? महा को वो अजीब लगी, उसका सफ़ेद शाह का यूँ दिखना भी। उसने फ़ोन लेना चाह के इससे ज़्यादा वो सफ़ीर शाह की तस्वीर पर भी किसी की निगाह बर्दाश्त नहीं काट सकती थी। फरी ने हाथ पीछे कर लिया। फरी मेरा फ़ोन दो, माहा ने नरमे से कहा। सफ़ीर, सफ़ीर शाह, माहा खड़ी उसे देखी थी जिसके चेहरे के तासार लम्हों में बदल रहे थे। सफ़ीर भाई, भाई ये मेरे सफ़ीर भाई हैं। उसने निगाह सफ़ीर शाह की बाजू पर गई, जहाँ वो महसूस नशा था जो बचपन में उसी की वजह से आया था। दिमाग पर जोर डालने से उसका सांस फूलने लगा। क्या हुआ फरी? महा के हाथ पांव फूले। उसे इस हाल में देख मेरे बब्बाई से सफ़ी वो गहरी गहरी सांस लेती। महा बाहर को भागी, उसकी ना बेगम को जगाया जो तेज़ी से आधी उसे गले लगा गई थी। उसे इसे पानी पिलाई। अम्मी सैफी भाई, ये मेरे सैफी भाई हैं ना? वो मुझसे एक सवाल कर रही थी। फूले सांस से सकीना बेगम ने हाजब को फ़ोन किया जो उठा नहीं रहा था, लेकिन तभी गेट को लेकर आवाज़ आई तो वो बाहर निकली। हाजब पड़ी, क्या हुआ अम्मी? उसे सांस नहीं आ रहा सही, वो बोली। तो हाजब भागते उस तक पहुँचा था। अम्मी हाजब, हाजब, अब उसकी आंखों से आंसू गिरे थे। महा एक साइड पर परेशान सी खड़ी थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। क्या वो सफ़ीर शाह की बहन थी? लेकिन सफ़ीर ने तो कहा था कि वो मर गई थी उसकी वजह से। सफ़ीर ने डॉक्टर को बुलवाया। महा सिर्फ हाजब मिर्ज़ा को उसके लिए पागल होता देख रही थी। उन्हें पैनिक अटैक हुआ, दवा दे दी। अब उन्हें सुबह तक होश आ जाएगा, लेकिन उसके बाद इन्हें हॉस्पिटल ज़रूर चेकअप के लिए लाइएगा। डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लगाया था जिससे वो गंदगी में जा चुकी थी। वो बाहर निकल आए।